Hi, this is Pradeep Gupta and you are watching G3 Institution. Friends, मैंने आज English grammar का एक ऐसा topic select किया है जो काफ़ी easy भी है और काफ़ी hard भी है. जिन लोगों के लिए easy है उसको easiest बना दूँगा और जिन लोगों के लिए hard है उसके लिए easy बना दूँगा. मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा. तो friends, ज़्यादा time ना लेते हुए हम सीधे narration की बात करते हैं. सबसे पहली बात कि narration होता क्या है. तो दोस्तों, नरेशन मीन्स आर यू कैन से आल्सो दैट इट इंडिकेट्स द एसर्शन आर टू से आर द स्टेटमेंट. तो सिंपली हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं, ये सिर्फ क्या है, एक स्टेटमेंट होता है. किसका स्टेटमेंट होता है? स्पीकर का. स्पीकर क्या होता है? वही जो कोई भी बात कहता है. जैसे मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं, आपके गार्जियन कहते हैं, यही होता है स्पीकर. तो सिंपली हम ऐसे ही समझ सकते हैं. अब नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं तो मैं बता दूं कि नरेशन टू टाइप्स के होते हैं, जिसको पहले को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन, दोस्तों मैंने पहले बताया कि नरेशन मतलब एक सीधा सीधा कह लीजिए तो एक स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक बयान कह लीजिए या एक वाक्य कह लीजिए. और वो वाक्य किसके होते हैं तो मैंने बताया आपको, स्पीकर के होते हैं. और स्पीकर कौन होता है? मैं, आप और आपके आसपास पड़ोस के लोग, और वे सभी लोग जो कुछ ना कुछ बोलते हैं. तो अगर हम बात करें नरेशन तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन. इसका सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ. स्पीकर के कहे हुए शब्द जो जैसे बोलता वैसे अगर हम राइट कर देते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन. और यदि हम उसके कहे हुए बात को ना राइट करके उसके सब्सटेंस को राइट करते हैं, उसके सारांश को राइट करते हैं, उसके भाव को राइट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. मैंने ऐसे सिंपली बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताया है. नरेशन क्या होता है? बस सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक स्टेटमेंट होता है. किसका स्टेटमेंट होता है? तो स्पीकर का होता है. स्पीकर कौन होता है? वही जो बात को बोलता है, आप, हम, आसपास पड़ोस के लोग. तो वो दो तरीके से उनकी बातों को हम रख सकते हैं, एक डायरेक्टली जो बोलते हैं उसको ही हम रख देंगे, और दूसरा वो जो उनके भाव को, यानी कि जो बात कहते हैं हम उसके सब्सटेंस को रखते हैं, उसके भाव को रखते हैं. सपोज, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मैंने कहा रोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो मेरे इस बात को, यानी कि जो मैंने बोला है कि रोहन बहुत अच्छा लड़का है, अगर मैं उसी बात को अगर एग्जैक्ट लिख दूँ तो हो गया डायरेक्ट नरेशन. और मैं उसी बात को दूसरे तरीके से कहूँ, उसके भाव के अनुसार, किसी तीसरे की बात कि एक टीचर था, वो बोल रहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो गया, मैंने उसकी बात को पहले एग्जैक्ट रखा था और दूसरी बार में उसी बात को मैंने उसके सब्सटेंस के अनुसार, उसके भाव के अनुसार रखा, तो उसे कह दिए इनडायरेक्ट नरेशन. बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों. स्पीकर के कहे हुए बात को, यानी कि वक्ता के कहे हुए बातों को अगर हम सेम टू सेम रख देते हैं तो होता है डायरेक्ट नरेशन. और अगर उसके बात को ज्यों का त्यों ना करके उसके भाव को जब हम राइट करते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. दोस्तों, अब इससे सिंपल कोई भी डिफिनीशन नहीं हो सकती. अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की. तो हम पहले एक सेंटेंस राइट करते हैं, ही शेड I am a good boy. इसको यही मान लीजिए और यहाँ पे हम लिखते हैं You are a good boy. इसको भी वही रहने दीजिए. अब यहाँ पे हम लिखते हैं He is a गुड बॉय. अब फ्रेंड्स, मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दूं सबसे पहले.
तो सबसे पहले तो मैंने स्पीकर की बात बताया था, तो देखिए ये रहा स्पीकर, ये पूरा अपना स्टेटमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, फिर कह रहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, और फिर उसके बाद कह रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, कौन कह रहा है, स्पीकर कह रहा है। तो अब दोस्तों मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, जो इन ये कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग पार्ट आर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको कहते हैं इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड, रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। सिंपल सा ही फर्क है दोस्तों, इसको बस हम कहेंगे रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच, और इस वाले सेंटेंस को कहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा उसको कहेंगे सिंपली रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बात करते हैं इसको डिफाइन करने की, दोनों को डिफाइन करने की, एक एक जितनी भी इसमें बारीकियां हैं, जितनी बारीकियों से पढ़ाया जाता है, मैं उस पूरी बारीकियों के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों सॉरी मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, ही सेड टू हिम, तो दोस्तों इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि इसको कहेंगे हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, या सिंपली अगर हम कहें तो इसको स्पीकर कहते हैं। स्पीकर तो हमें सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि हम इसी के स्टेटमेंट को राइट करेंगे, या तो डायरेक्ट करें या तो इनडायरेक्ट करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें इस बात को जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, तो इसे क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट आर रिपोर्टिंग स्पीच, क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टिंग स्पीच, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस की, तो दोस्तों जो कॉमा के अंदर था यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर था उसको हम कहते हैं सिंपली रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उस वाले भाग को हम कहते हैं सबसे पहले रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच, और उसमें आने वाले सब्जेक्ट को कहते हैं सेम ऐसे ही, लेकिन वहाँ बदल जाएगा, बस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस यहाँ पर रिपोर्टिंग था तो यहाँ पर रिपोर्टेड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वर्ब है, कौन सा वर्ब, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पर समझ लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, लेकिन हम ज़्यादातर इसका ऑब्जेक्ट से ही मतलब रखते हैं, तो ये समझ लीजिए एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो दोस्तों इतनी तो बात क्लियर हो गई, इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट आर रिपोर्टेड स्पीच, इसे कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट आर रिपोर्टिंग स्पीच, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट आर रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो आएगा
यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दिया है लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ही आता है, तो हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर पार्ट। फ्रेंड्स, आई हैव रिटन हियर दिस वन इन फ्रंट ऑफ यू। रिपोर्टिंग वर्ब हम सेम मान ले रहे हैं सबके लिए, सब रिपोर्टेड स्पीच के लिए हम यही मान ले रहे हैं। और अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, ये दोस्तों रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच है ये कॉमा के अंदर का, तो इसका वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है, ये पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, यानी कि ये पूरे क्या है रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो टेंस है इसमें परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो जाता है। कब हो जाता है? यदि रिपोर्टिंग स्पीच का या रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, क्या वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम इसको, इसके जो सेंटेंसेस हैं उनके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब किसमें होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। जैसे ही सेज टू हिम, ही सेज टू हिम, ही विल से टू हिम। इस दौरान अब देखिए दोस्तों ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है और ये किस में है? फ्यूचर टेंस में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में, सेंटेंस के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से तो ये हो जाएगा ही सेड दैट, ही एम है तो ये वाज में चेंज हो जाएगा, ही वाज ए गुड बॉय। अब मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले ही सेड, अब हमने सेड क्यों रखा ये हम बाद में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ही सेड। अब मैंने कंजंक्शन दैट का यूज़ करके आई फर्स्ट पर्सन है इसको मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। मैं इसका भी चेंज कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमें क्या बता रहे हैं अभी, टेंस, हम क्या बता रहे हैं अभी, टेंस में परिवर्तन होता है। तो हमने देखा कि ये पास्ट है तो इसमें, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को रूल्स के हिसाब से जैसे होगा उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो ये इज है, ये एम था तो हम क्या किए, वाज में चेंज कर दिए और बाकी वैसे राइट कर दिए। अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस की जो कि क्या है, प्रेजेंट में, तो ये क्या होगा, ही टेल्स, यहाँ पर ये तो बदला है, फॉर्म इसका बदला है, केवल फॉर्म बदला है लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ही टेल्स दैट, मैंने आपको बताया दोस्तों कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, ही विल
से। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये क्या था, हम जो जेन्युइन है उसी को लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे, यू है यू को चेंज करेंगे उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही टेल्स हिम दैट, अब हिम है तो हिम के लिए क्या होगा, नॉमिनेटिव केज इसका ही टेल्स हिम दैट ही। अब ये देखिए, चूंकि ये प्लूरल है तो इसमें हमने आर का यूज़ किया है, और ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, इज का। हमने इसका फॉर्म बदला है केवल, लेकिन इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ही इज ए गुड बॉय। अब हम लेते हैं तीसरे सेंटेंस को। सो हम ये भी देख सकते हैं कि ये भी किस टेंस में, फ्यूचर में। तो मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका भी हो जाएगा, ही विल से दैट ही इज ए गुड बॉय। सो फ्रेंड्स, ये रहा सिंपली कि कैसे टेंस को, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया। और मैंने इसमें ये देखिए, अगर इसमें मैं थोड़ी सी बात कर लूँ पर्सन की, तो एक रूल होता है शन, जिसमें दिया 1 2 3 ऐसे करके। इसका मतलब होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे ही सेड टू हिम, मैं साफ साफ लिखता हूँ दोस्तों, ही सेड टू हिम आई एम इन ए हरी। देखिए दोस्तों, आई हैव रिटन हियर दैट ही सेड टू हिम आई एम इन अ हरी, उसने उससे कहा वह जल्दबाजी में है, यानी कि उसने उससे कहा मैं जल्दबाजी में हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, एक और मैं लिखता हूँ, ही सेज टू हिम यू आर इन ए हरी। तीसरा लिखते हूँ, ही विल से टू हिम ही इज इन ए हरी। अब देखिए, मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को यहाँ पे दर्शा दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं इस रूल को क्लैरिफाई करने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी हालत में हम चाहे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करें या न करें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्रीज
लेकिन हमें पर्सन को चेंज करना ही करना है। और कैसे करेंगे? यदि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसके नंबर और पर्सन के अनुसार हम चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे ही टोल्ड हिम, इन्फिनिटिव टू को हम रिमूव कर देंगे, ही टोल्ड हिम, अब क्या करेंगे, कॉमा को भी रिमूव कर देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हम रिमूव कर देंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, फर्स्ट पर्सन आई और प्रॉपर नाउन्स को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स को हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नहीं तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन और प्रॉपर नाउन के लेटर्स को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब फर्स्ट पर्सन तो हो गया, हम आई जानते हैं कि इसको कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे किसी का नाम, किसी जगह का नाम, अगर ऐसा होगा तो हम उसके पहले लेटर को कैपिटल लेटर में राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब आई है यहाँ पे, अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और नंबर कौन सा है, तो सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, ही टोल्ड हिम दैट, कंजंक्शन हमने लगा दिया कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके, दैट अब क्या है, ही अब ये देखिए एम है और ये क्या है, पास्ट टेंस में है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में, किसके, पास्ट टेंस में। तो ये क्या होगा, अभी सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग वाज लगाएंगे, ही वाज इन ए हरी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, ही सेज टू हिम यू आर इन अ हरी। सो फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, किसी में भी होता है, हमें हर हाल में पर्सन को चेंज करना ही करना होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। तो हम बात करते हैं अब सेकेंड पर्सन की। तो हम जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ही टेल्स हिम, हम कॉमा रिमूव कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव कर देंगे और क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट। तो ही टेल्स हिम दैट। अब ये देखिए दोस्तों, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हम किस में, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और कौन सा नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है, तो ये किससे होगा, चेंज हो जाएगा नॉमिनेटिव में, तो नॉमिनेटिव क्या होगा इसका, नॉमिनेटिव केस ही टेल्स हिम दैट ही। अब देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट में है तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन इसके फॉर्म में परिवर्तन करेंगे नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसका क्या होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि हमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करने हैं, तो ही इज इन ए हरी। अब बात करते हैं
तीसरे सेंटेंस की, तो ये भी हम देख रहे हैं कि किस टेंस में, फ्यूचर में, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो अब हम ये भी समझ जाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए लिखते हैं इसको भी, ही विल टेल, ही विल टेल हिम दैट, ये भी क्या होगा ही। अब देखिए दोस्तों, थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, इट मीन्स नॉट चेंज। तो ये क्या होगा, दैट ही इज इन ए हरी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, करना मत भूलिएगा।